हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स विद दीप्स में। आज मैं आई हूँ पुराना किला और इस वीडियो में मैं आपको पुराना किले का पूरा इतिहास बताऊंगी। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, चलते हैं। पुराना किले का इतिहास दिल्ली के पुराने किले जितना ही पुराना है। सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि आज जहां पुराना किला स्थित है वहां कभी महाभारत का इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था। यह बात तो द्वापर युग की थी, पर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कलयुग में इस पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी को देखने से तो पता चल रहा होगा कि ये मुगल कालीन संरचना है। पुराने किले का निर्माण शुरू होता है 1533 ईस्वी के दौरान। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हुमायूं के बारे में। मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। नसीरुद्दीन हुमायूं मुगल बादशाह बाबर के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 23 साल की उम्र में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुमायूं सिंहासन पर बैठा। शासन में आने के पश्चात आगरा को छोड़कर मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली को अपना निवास स्थान बनाना तय किया। 1533 में यमुना नदी के किनारे एक नई मुगल राजधानी का निर्माण आरंभ करवा दिया, जिसे उन्होंने दीनपना नाम दिया। 1533 से दीनपना नगर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, परंतु इस कहानी में एंट्री होती है 1539 में शेर खां की। शेर खां जो शेर शाह नाम से भी प्रसिद्ध हुए, सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके जन्म का ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म 1472 में और कुछ कहते हैं इनका जन्म 1486 में हुआ था, परंतु इनका रियल नाम फरीद खां था। कहा जाता है उन्होंने शेर को तलवार के एक वार से मार दिया था। इससे प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बाहर खां लोहनी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। हुमायूं और शेर खां के बीच में 25 जून 1539 को चौसा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराया था। यहां से शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण करी थी। इसके पश्चात 17 मई 1540 ईस्वी में इन दोनों के मध्य दूसरा युद्ध हुआ था बिलग्राम में, और इस युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब आते हैं अपनी पुरानी कहानी पे वापस। 1533 में दीनपना नामक शहर का निर्माण हुमायूं करवा रहे थे, परंतु उसी दौरान उन्होंने युद्ध लड़े। युद्ध में हार कर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और शेर शाह का एंट्री हुई 1540 में। सत्ता में आते ही शेर शाह ने दिल्ली में अपने नगर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। शेर शाह ने अपने नगर की स्थापना के लिए दीनपना और फिरोजाबाद को घेरेबंद में ले लिया और उसके अंदर ही अपने नए नगर की स्थापना करवाई थी। आज का जो पुराना किला हमें दिखता है वो शेरशाह और हुमायूं दोनों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हुमायूं का दीनपना भी शेरशाह के ही नए नगर के अंदर आ गया था। गाइस, यही था छोटा सा इतिहास, वो भी पुराने किले का, कि किसने बनाया था और कब बनाया था। अभी तक आप सबने मेरी वीडियो में देखा होगा कि जितना मैंने पुराना किला अभी तक आपको दिखाया है, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो सारा स्ट्रक्चर पत्थरों से बनाया है, और ये पत्थर ना एक समान नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, सारे पत्थर अलग अलग आकार के हैं और उन अलग अलग आकारों के पत्थरों से एक समान संरचना बनाई गई है। आपने फिरोजा कोटला किले की संरचना देखी होगी, वो भी इसी प्रकार की है। आजकल अगर आप पुराना किला जाओगे तो आपको पुराने किले में आधे अधूरे नगर निर्माण मिलेंगे और इस टाइप के आपको पिल्लर देखने को मिलेंगे। पुराना किला अपने आप में बहुत सुंदर और खास दिखता है, और यहाँ पहले महाभारत के इंद्रप्रस्थ नगर भी था, तो एक तरफ से ये अपने में खास है। पुराने किले में अभी सिर्फ एक ही इमारत बाकी है, बाकी आपको गार्डन दिखेंगे और आधी अधूरी इमारतें दिखेंगी। मैंने अपनी एंट्री पुराना किले में एक बड़ा दरवाजे से की थी। ये दरवाजा 3 मंजिला था, आपने देखा होगा, इसकी ऊंचाई 20 मीटर थी। यह है पुराने किले की मस्जिद, और इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने 1541 ईस्वी में करवाया था। इस मस्जिद का सभी लोग उपयोग कर सकते थे प्रार्थना करने के लिए। इस मस्जिद में कुल 5 मेहराब हैं। आप देख सकते हैं मस्जिद का निर्माण लाल बालू पत्थरों से किया गया, और साथ में इसमें संगमरमर का भी यूज किया गया है, और संगमरमर के साथ साथ इस मस्जिद को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अंदर और बाहर मस्जिद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और मस्जिद पे आते ही एक अलग वाइब आती है। गाइस, वैसे ना
मस्जिद पे आप देखोगे तो कलाकारी बहुत सुंदर है। इस मस्जिद में एक गुम्बद था। इस मस्जिद के अंदर काले संगमरमर और टाइलों का भी बखूबी से प्रयोग किया गया था। और इस मस्जिद के मेहराबों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उर्दू भाषा में आयतें लिखी हुई थी जो बहुत अपने आप में यूनिक लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मस्जिद का नाम था किला ए कुल्हा मस्जिद। इसका अर्थ होता है पुराने किले की मस्जिद। आपको पुराने किले की मस्जिद के आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये मस्जिद ना अपने आप में बहुत ही सुंदर भी लगती है और यूनिक भी लगती है। मस्जिद के बाद हमें पुराने किले में बावली देखने को मिली। कोई सा भी जगह हो आपको पुराने टाइम पे एक ना एक बावली देखने को जरूर मिलेगी। ये बावली थोड़ी गहरी थी। इस बावली में लगभग 89 सीढ़ियां थी। जितनी भी मैंने बावलियां देखी है उन बावलियों में सबसे पतली बावली मुझे ये लगी। बावली के बाद पहुंची मैं शेर मंडल को। नाम से ही पता चल गया होगा इसका निर्माण शेरशाह ने ही करवाया था और कहा जाता है 1541 में इसका निर्माण किया गया था। यह दो मंजिला इमारत है और इसका निर्माण शेरशाह ने अपने मनोरंजन के लिए करवाया था। परंतु 1545 के पश्चात हुमायूं ने इसका अपने पुस्तकालय के रूप में प्रयोग किया और 1556 में कहा जाता है हुमायूं की इसी बिल्डिंग से गिर के मृत्यु हो गई। शेर मंडल के अतिरिक्त आपको पुराने किले में कोई और इमारत देखने को नहीं मिलेगी। इस शेर मंडल के अंदर एंट्री का सिर्फ एक ही गेट है। शेर मंडल के बाद हम पहुंचते हैं हमाम की तरफ। हमाम से तो आपको पता होगा, पहले भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमाम के बारे में बता रखा है। पुराने समय में स्नान घर को हमाम कहा जाता था। हमाम में बादशाह के लिए गर्म और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था की जाती थी। हमाम का प्रयोग शाही परिवार किया करता था। और यहाँ पर आप हमाम को देख सकते हो। हमाम का ढांचा अलग ही बनाया गया है और ये जो मैं पानी का दिखा रही हूँ यहाँ से पानी आया करता था नीचे। हमाम में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं और साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है। सीढ़ियों से नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ उस कमरे का ढांचा कैसा है। अंदर जाते ही मुझे एहसास हो रहा है कि यही है मेन हमाम। यहाँ पर पानी का निकास होता था। आप देख सकते हो जाली से, इससे पता चलता है कि यहाँ नहाने के लिए बनाया गया था एक अलग से और ये पानी आ जा सकता था इन जालियों से। गाइस अगर आपने पुराना किला कभी नहीं देखा तो बिल्कुल एक बार पुराना किला देखिए। मैं मानती हूँ पुराने किले में आपको कुछ कपल्स दिखेंगे लेकिन अगर उसको छोड़कर आप देखेंगे तो पुराना किला बहुत ही सुंदर है। मैं पुराने किले में लास्ट ये हुमायूं दरवाजा मिला और इसका निर्माण भी कहा जाता है शेरशाह ने ही करवाया था। और ये तीन मंजिला भी प्रतीत होता है, दो मंजिला भी है दरवाजा। और कहा जाता है एक ये जो नीचे से सीढ़ियां हैं वो दरवाजे के अंदर, बोलते हैं कि यहाँ से पहले पानी था, दरिया था, तो ये दरिया का रास्ता था और ऊपर पुल का रास्ता। इसके अतिरिक्त आपको पुराने किले में सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, अच्छी अच्छी वादियां मिलेंगी। अगर आप गए नहीं हो एक भी बार तो एक बार जरूर जाके देखिए। गाइस आप साथ साथ ये भी बताना मुझे कि आपको अब क्या लगता है, रियल में पुराना किले का इतिहास, पुराना किला जितना ही पुराना है ना, जरूर कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो पुराने किले का इतिहास पुराना ही है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बिना सोचे आप लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।